सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप किस तरह से Realme के C31 डिवाइस के अंदर थीम स्टोर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, आप सभी को पता होगा गाइस, अगर आप लोग भी Realme के C31 डिवाइस यूज करते होंगे तो दोस्तों यार, आपको इस डिवाइस के अंदर जो Realme एंड ओप्पो का ऑफिशियल थीम स्टोर एप्लीकेशन होता है ये देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Realme के C31 डिवाइस के अंदर थीम स्टोर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो एंड आप किस तरह से थीम्स को चेंज कर सकते हो। सो गाइस, बेसिकली आप लोगों ने इसके क्या करना है गाइस, यार इसके लिए आप लोगों ने अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन यहां से गाइस यार आप लोगों ने XOS लॉन्चर वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। देन जैसा आप यहां पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो, देन गाइस यार आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन करना है। एंड जैसा आप यहां पर एप्लीकेशन को ओपन करोगे, जो भी परमिशन मांगा जाएगा परमिशन को अलाउ कर लेना है। देन नीचे पे आपको कुछ इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल गाइस यार आप लोगों ने क्या करनी है, देखो गाइस यहाँ पर देखो, ये जो लॉन्चर है मेरे डिवाइस के अंदर डिफॉल्ट अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिफॉल्ट में अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए गाइस आप लोगों ने क्या करनी है, देखो गाइस इसके लिए आप लोगों ने गाइस अपना फोन को सेटिंग को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। देन जैसे आप यहाँ पर सेटिंग को ओपन करते हो, देन इधर आपको एक मिलेगा सर्च बार, इस पर टैप करना है। एंड जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे गाइस, आपको यहाँ पर सर्च करना है डिफॉल्ट, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट सर्च कर दिया। देन यहाँ पर आपको एक बार प्रेस करना है डिफॉल्ट ऐप के अंदर। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, डिफॉल्ट होम, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, होम ऐप पर क्लिक करना है आप लोगों ने। देन यहाँ पर XOS लॉन्चर को सिलेक्ट कर देना है। देन सिंपली मिनिमाइज करना है। एंड यहाँ पर देखो, आपका ये जो गाइस लॉन्चर है ये सेटअप हो चुका है डिफॉल्ट में, ठीक है गाइस, ये डिफॉल्ट में सेटअप हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर देखो, जो ये आपका एक्स थीम है गाइज, ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। एक्स थीम का गाइज यार लोगो चेंज है, क्योंकि गाइज मैंने इस ट्रिक को बहुत ही पहले अप्लाई किया हूँ और गाइज मैं इसको पर्सनली यूज भी करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर थीम्स को चेंज कर रखा है, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर एक्स थीम एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन यहाँ से आप इजिली गाइज यार थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर वगैरह को चेंज कर सकते हो। गाइज यहाँ पर देखो, काफ़ी सारे थीम्स अवेलेबल है। तो गाइज यार इस पर मैं कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से Realme के C31 डिवाइस के अंदर थीम्स को चेंज कर सकते हो। तो गाइज यार मैंने तो आपको इंस्टॉलिंग का प्रोसेस बता दिया। तो गाइज यार आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें एक बार कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइज अगर आपको वीडियो चला तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में आएगा वेल आइकन उसको भी ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।